स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मार्कोनिकोफ रूल की। मार्कोनिकोफ रूल स्टूडेंट्स जो अनसैचुरेट कंपाउंड्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है, यानी एल्कीन्स पर, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स पर मार्कोनिकोफ रूल जो है वो अप्लाई होता है। और ये दोनों कैसे होना चाहिए, ये दोनों अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स या एल्काइन्स पर जो है वो मार्कोनिकोफ रूल जो है अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, ये होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, दिस इज द प्रोपीन। तो ये स्टूडेंट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स यानी इस कार्बन, इस sp2 कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और इस sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें तो दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि दोनों sp2 कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। यहां पर भी दो हाइड्रोजन एटम है, यहां पर भी दो हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पर जो है वो मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन पर मार्कोनिकोफ रूल जो है अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, होता है क्या है कि इस पर हम किसी अनसिमेट्रिकल रीजेंट का एडिशन कराते हैं लाइक HX। तो HX एक्स जो है यहां पर हैलोजन है, तो हैलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये जो होगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिस्प्लेस कर देंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो इस पर पोलैरिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो H+ है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो X- है ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो है आपका एल्कीन, दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जब हम HX का एडिशन कराएंगे तो स्टूडेंट्स एल्कीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लायर होती हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। एल्कीन्स जो हैं, एल्कीन्स या बेंजीन, ये जो हैं आपका इलेक्ट्रॉन सप्लायर होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को सप्लाई करेंगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इस sp2 कार्बन पर करा दें जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH CH2NH। और ये स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कहां पर जाकर ऐड होगा, उस sp2 कार्बन पर जाकर ऐड होगा जहां पर के हाइड्रोजन कम होंगे। तो एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, दूसरा ये भी हो सकता है इसके अपोजिट एडिशन हो जाए, CH3CH H and CH2X। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं कि एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है, ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर इसके अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उस sp2 कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर के हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल उस sp2 कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर के हाइड्रोजन कम होते हैं। तो दिस इज द मार्कोनिकोफ्स प्रोडक्ट और दिस इज द एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। ये मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट के अगेंस्ट है, एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स मार्कोनिकोफ ने बताया कि अनसिमेट्रिकल रीजन का जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स या एल्काइन्स पर एडिशन कराते हैं
तो इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट sp2 कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द न्यूक्लियोफाइल गोज टू दैट sp2 कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो दिस इज द मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट. अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म से आपको और क्लियर हो जाएगा. मैकेनिज्म में हम कंसिडर कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोटीन और CH3 CH double bond CH2. दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हाट वी कॉल गैम प्रोटीन. इस प्रोटीन पर हम एडिशन करा रहे हैं HX. हम HX यहां पर HBr ले लेते हैं. HBr अनसिमेट्रिकल रीजेंट है. ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. दैट्स वाई ब्रोमीन पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन्स एंड ब्रोमीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव एंड द पोलैरिटी इज प्रोड्यूस्ड इन अनसिमेट्रिकल रीजेंट. And this is the electrophile and this is the nucleophile. And according to Markovnikov rule, electrophile goes to that sp2 carbon which contain more number of hydrogen. तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा? आप देखें मैकेनिज्म में अगर हम पहले स्टेप में बात करें तो देखें हमेशा मूवमेंट जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा मूवमेंट जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ दिखाते हैं. दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपका जो है प्रोटीन ये क्या है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ हम मूव करते हुए दिखा रहे हैं. दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट इज द H+ इलेक्ट्रोफाइल. तो स्टूडेंट्स जब ये अटैक करेगा इस पर तो यहां पर दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस sp2 कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो इसकी इसके प्रेजेंस में इस पे भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी पोलैरिटी आ जाएगी. पोलैरिटी आ जाएगी तो यानी जो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन गेन कर लेगा और इस कार्बन से तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन इस कार्बन से गेन करता है तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव और जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जाकर के बॉन्ड बना लेगा. तो स्टूडेंट्स CH3 CH CH3 दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल. देखें आप इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक किया CH2 और CH3 पाई बॉन्ड देखें आप लॉस हो गया और यहां पर क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल का यहां पर एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. दूसरी स्टूडेंट्स इसके अपोजिट पॉसिबिलिटी हो सकती है. वो क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस sp2 कार्बन पे अटैक करे यानी ये कार्बन इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो अगर स्टूडेंट्स ये कार्बन इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो यहां पर देखें पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज. जैसे नेगेटिव चार्ज आया इसने H+ के साथ बॉन्ड बना दिया यानी CH और HCH2. तो यहां पर दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो गए और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे हैं ये कार्बोकेटायन है. कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम क्या कहते हैं कार्बोकेटायन. तो ये भी कार्बोकेटायन है ये भी कार्बोकेटायन है ये लेकिन ये जो कार्बोकेटायन है ये कार्बोकेटायन 2° कार्बोकेटायन है 2° कार्बोकेटायन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन और ये स्ट्रेंथ जो है 1° कार्बोकेटायन है 1° कार्बोकेटायन यानी 2° कार्बोकेटायन. मैं आपको बता चुका हूं 2° कार्बोकेटायन किसे कहते हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अगर दो कार्बन से अटैच्ड हैं तो वो 2° होता है और अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है तो 1° कार्बोकेटायन होता है. और आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होती है स्टूडेंट्स 3° कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2° कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल देन 1° कार्बोकेटायन.
तो ये 2 डिग्री कार्बो कैटायन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, दिस इज द मोर स्टेबल, और ये जो कार्बो कैटायन होगा ये लेस स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो था आपका पहला स्टेप था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बो कैटायन दैट इज 2 डिग्री कार्बो कैटायन पे अटैक करेगा। CH3 एंड Br माइनस, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये स्टूडेंट्स किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH Br and CH3, दिस इज द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड कार्बन में Br है, 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा कि मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल अगर टर्मिनल कार्बन पर अटैक करता है यानी 1 डिग्री कार्बन पर अटैक करता है तो स्ट्रेंथ 2 डिग्री कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका 2 डिग्री कार्बन पर अटैक करता है तो 1 डिग्री कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो 2 टाइप के इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन हमको बनते हैं, जिसमें कि 2 डिग्री कार्बो कैटायन जो है वो 1 डिग्री कार्बो कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। जब स्टेबल होगा तो Br माइनस जो है स्टेबल यानी 2 डिग्री कार्बो कैटायन पर अटैक करेगा और हमको 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री कार्बो कैटायन। ये स्टूडेंट्स ये H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो आपने देखा ये इसका मैकेनिज्म, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपीन का जो फॉर्मेशन है वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, लाइक वन मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, इस पर हम एच आई का एडिशन कराते हैं तो आप देखेंगे ये अनसिमेट्रिकल रिजेंट है और ये आपका जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन सप्लायर है। तो आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो पोलैरिटी डेवलप होगी यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएंगे। तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल उस अनसैचुरेट कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जाकर अटैक करेगा जहां पर के ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर तो एक भी एच नहीं है लेकिन यहां पर देखें एक एच है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाकर के अटैच होगा। मोमेंट हमेशा हम ऐसे दिखाएंगे, स्टूडेंट्स आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर और न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां पर। तो ये क्या बना आपका, वन आयोडो वन मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से ये मार्कोनिकोफ रूल जो है वो अप्लाई होता है। अगर हम लाइक एक एग्जांपल और देख लें, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्टूडेंट्स ये जो है आपका क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटीन
चार कार्बन है, 1 2 3 4 फोर कार्बन है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टू पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और टू पर ही डबल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इस पर अगर हम अनसिमेट्रिकल एजेंट एच बी आर का एडिशन कराते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो देखें कहां पर मार्कोनी का फूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल उस डबली बॉन्डेड कार्बन या उस sp2 कार्बन जाके अटैक करेगा जहां पर के हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखें, यहां पर इस sp2 कार्बन से एक H और इस sp2 कार्बन से एक भी H नहीं है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। CH3 तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन से पर जब हम HBr का एडिशन कराते हैं तो इस क्या बनता है, आपका सेकंड पर Br है और सेकंड पर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो ये मार्कोनी का फूल्स के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं कि मार्कोनी का फूल जो है वो कहाँ पर अप्लाई होता है। एल्काइंस अगर ले लें, एल्काइंस पर भी अप्लाई होता है, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस होना चाहेंगे, अनसिमेट्रिकल, मैंने आपको बताया अनसिमेट्रिकल एल्काइंस एसिटाइलिन पे अप्लाई नहीं होगा। लाइक अगर हम प्रोपाइन ले लें, CH3C CHH, दिस इज द प्रोपाइन, दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्काइन। इस पर अगर हम HBr या HCl का एडिशन करा दें तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Br H से, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो देखें आप इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाकर अटैक करेगा जहां पर के ज्यादा H होंगे, एक ही H है यहां पर, एक भी H नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर कि एक एच होगा मार्कोनी का फूल के अकॉर्डिंग। CH3 CBr, यानी वह एक पाई बॉन्ड लॉस हो जाएगा। H और आपने देखा एक H, तो स्टूडेंट्स देखा प्रोपाइन से आपका क्या है 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स मार्कोनी का फूल के लिए कंडीशन जरूरी है कि मार्कोनी का फूल के लिए जो एल्कीन्स हैं या एल्काइन्स हैं वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स एल्काइन्स पर ये चीज अप्लाई नहीं होती है, और जो आपका रीजेंट है, रीजेंट में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जाकर अटैक करेगा जहां पर के आपका हाइड्रोजन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स ये मार्कोनी का फूल के अकॉर्डिंग रिएक्शंस थी, एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स।